नमस्ते, मैं सुमलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में आलू सूजी की क्रिस्पी पूरियां बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। इसके लिए 1 कप सूजी, 1 कप आटा, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 आलू, इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स के डाल देंगे, स्वादानुसार नमक, छोटा आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हल्दी 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच तेल। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें कद्दूकस किए हुए आलू डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस आटे में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पूरी के आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। इसमें आलू डाले में उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो इसमें बिल्कुल पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही लगेगा। आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। अब इस आटे को 10-15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ढक के सेट होने के लिए। 10-15 मिनट हो गए इस आटे को रखे हुए। अब इसमें 2-3 बूंदें ऑयल की डालेंगे और इसको एक बार फिर गूंद लेंगे। अब इस आटे में से नींबू के साइज का आटा ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, चकले को ग्रीस कर लेंगे, आटा रखेंगे और इसको बेल लेंगे। इसी तरह से सारी बेल लेंगे। इन पूरियों को बेल लिया है, गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल भी डाला हुआ है और ये गरम हो चुका है। पूरियों को तलेंगे। फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब दूसरी पूरी डाल देंगे। मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सूजी आलू की क्रिस्पी पूरियाँ बनकर तैयार हैं। इन पूरियों को दही के साथ, रायते के साथ, अचार, सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सूजी आलू की क्रिस्पी पूरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इनको लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।